हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट युवराज बैच। तो आज की क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों हेडिंग बना लीजिए, द मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम, ओके। तो सबसे पहले समझो कि भाई सिस्टम क्या होता है। ओके, किसी काम को करने के लिए कुछ तरीका होता है, उसको आप सिस्टम बोलते हो। ओके, तो बच्चों हमारे दुनिया में, हमारे मैथ्स में, हमारी रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मेजरमेंट करते हैं, चीज़ों को मापते हैं। ओके, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सामान है, तो आप उसकी लेंथ मेज़र करोगे, करोगे ना? Yes. आप उसका वेट मेज़र करोगे, मास। हाँ, आप और भी चीज़ें मेज़र कर सकते हो, आप उसकी कैपेसिटी मेज़र कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए आपने एक सिस्टम डेवलप किया, आपने एक सिस्टम डेवलप किया। ओके, सिस्टम कैसे डेवलप किया? मान लो इतनी लेंथ है, तो ये लेंथ किस में मेजर कर सकते हो आप? सेंटीमीटर में। मान लो ये लेंथ है, थोड़ी और बढ़ गई तो फिर क्या हो गया? मीटर में। फिर और बढ़ गई तो किलोमीटर में, और बढ़ गई, है ना? सो बढ़ती जाती है, या और छोटी हो रही है, मिलीमीटर, और छोटी हो गई है, मिलीमीटर से भी कम होते हैं, समझ गए ना? माइक्रोन, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो छोटे बड़े होते हैं, मतलब केवल एक चीज से आपका काम, केवल मीटर बस से आपका काम नहीं चल सकता है। मीटर के साथ साथ आपको कई चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, केवल अकेले मीटर से आपका काम नहीं चलेगा। ओके ओके बच्चों, तो आपने क्या समझा कि हमें एक सिस्टम की जरूरत है। हमें लेंथ के लिए अलग क्वांटिटी चाहिए, मेजर करने के लिए अलग यूनिट चाहिए, वेट के लिए अलग यूनिट चाहिए, कैपेसिटी के लिए अलग यूनिट चाहिए। तो हमने पूरा एक मेजरमेंट के लिए सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया? System. और उस सिस्टम को हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। अब आइए मजे की बात समझते हैं। देखो भाई, तो मीट्रिक सिस्टम में क्या क्या यूनिट ली हैं आपने? मीट्रिक सिस्टम में अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट लेते हो। ओके, उनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों? बेसिक यूनिट। ओके, तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले अगर आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मेजर करने की जो बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बनाई गई है, वो मीटर है। ओके, अगर आपके पास वेट है, तो वेट को मेजर करने की जो यूनिट है, वेट जिस चीज में मेजर किया जा रहा है, वो क्या है बच्चे? बच्चों, ग्राम है। अगर आपके पास वॉल्यूम है ना, या कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को मेजर करने के लिए आपको जो यूनिट यूज की गई है वो है लीटर। क्या है वो? लीटर। ओके, ठीक है ना जी? तो आपने यूनिट बना दी गई है। अब इन यूनिट में क्या हो सकता है? जैसे मीटर है, मीटर का काम, मीटर एक छोटी लेंथ को नापता है। कितनी लेंथ को? छोटी लेंथ को। बट यदि जरूरत बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ हो गई, तो आपको इन फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट के आगे एक प्रेफिक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रेफिक्स। जो आगे लगता है उसको बोलते हैं प्रेफिक्स, है ना? तो मतलब मीटर तो है, मीटर है, तो बड़ी यूनिट के लिए या छोटी यूनिट के लिए आपको यहां पे प्रेफिक्स लगाना पड़ेगा। तो प्रेफिक्स में आपने किलो लगा दिया तो बन गया किलोमीटर, अगर आपने सेंटी लगा दिया तो बन गया सेंटीमीटर, आपने मिली लगा दिया तो ये बन गया मिलीमीटर। क्या बन गया? मिलीमीटर। तो बेसिक यूनिट आपकी मीटर ही है, मगर जरूरत के हिसाब से आपको इनके आगे प्रेफिक्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्रेफिक्स लगाना पड़ता है, समझ गए ना? तो कुछ प्रेफिक्स होते हैं ज्यादा चीजों को मापने के लिए, और कुछ प्रेफिक्स होते हैं कम चीजों को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। तो मैं आपको प्रेफिक्स बता देता हूं कि ज्यादा चीजों को मापने के लिए जो प्रेफिक्स होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो यहां पर मैंने हायर मेजर वाले प्रेफिक्स बता रहे हैं। कौन से वाले बेटा? हायर मेजर वाले प्रेफिक्स। तो हायर मेजर में सबसे पहला जो प्रेफिक्स होता है वो होता है डे का। क्या होता है? डे का। और डे का की वैल्यू बच्चों होती है 10। क्या होती है डे का की वैल्यू? 10। तो अगर मैं आपसे कहूं वन डे का मीटर, वन डे का मीटर, देख रहे हैं बेटा, वन डे का मीटर। ओके, क्लियर हुआ? वैसे डी को स्मॉल कैपिटल लिखो बेटा, अभी एक कारण है, आपको पता चल जाएगा। वन डे का मीटर, बोलो क्लियर हुआ? सो वन डे का मीटर, डे का मतलब 10, सो आंसर इक्वल्स टू 10 मीटर, बिकॉज डे का की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो वन डे का मीटर इक्वल टू कितना?
10 मीटर, तो मतलब आपके पास मान लो 10 मीटर है, कोई 10 मीटर आपके पास बड़ी लंबी रस्सी है, ये देखो आपके पास कोई 10 मीटर बड़ी लंबी रोप है, ये देखो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके ऐसे कितने मीटर है, 10 मीटर की लंबी रस्सी, तो 10 मीटर की लंबी रस्सी है, तो आप इसको 10 मीटर ना लिख करके सीधे लिखो क्या, 1 डेका मीटर, बोलो आ गया समझ में ना, तो 1 डेका मीटर मतलब 10 मीटर। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, 1 हेक्टो बेटा, डी का बड़ा लेटर, कैपिटल लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, क्योंकि बड़े के लिए कैपिटल लेना है, बड़े के लिए क्या लेना है कैपिटल, छोटे के लिए स्मॉल लोगे। और ये देखो ध्यान से, यहाँ देखो 1 डीएम, ओके अभी मज़ा आएगा आपको देखना, 1 हेक्टो, हेक्टो का मतलब कितना होता है 100, ये 100 नो, हेक्टो का मतलब 100, तो मैं कहूँ 100 मीटर, बोले तो कितने मीटर, 1 हेक्टोमीटर, आई बात समझ में ना, तो 100 मीटर बोलने से अच्छा है कि आप बोलिए 1 हेक्टोमीटर, और बड़ा कर दिया आपने, 1 किलो, किलो का मतलब क्या होता है बेटा, 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, अब चाहिए जिसके भी आगे लगेगा, डेका किसके आगे लगेगा, सबको 10 कर देगा, मीटर के आगे लगा तो मीटर को 10 कर देगा, किलो के आगे लगा तो किलो को 10 कर देगा, तो यह देखिए 1 किलोमीटर मतलब कितना बेटा 1000 मीटर, 1000 मीटर, क्लियर हुआ। अब ये देखा आपने किस पर देखा है, आपने लेंथ पर देखा, किस पर देखा आपने लेंथ पर, अब आप देखो भाई साहब इसी चीज को देखो ग्राम पर, किस पर बात करो ग्राम पर, है ना, 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम लियो भाई साहब, 1 डेकाग्राम, डेका का मतलब कितना होता है 10 ग्राम, 10 ग्राम, बोलो आया समझ में, डेकाग्राम, मैं बोलूंगा 1 हेक्टो, 1 हेक्टोग्राम मतलब कितना 100 ग्राम, मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम कितने ग्राम, किलो में कितना होता है 1000, 1 किलोग्राम मतलब 1000, तो ये सारे आगे लग रहे हैं, मीटर के आगे क्या लगा हेक्टो, मीटर के आगे क्या लगा किलो, डेका, डेका, हेक्टो, किलो, ये सारे के सारे क्या है प्रेफिक्स हैं, क्या है ये प्रेफिक्स, प्रेफिक्स क्या करते हैं वैल्यू को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, अब अभी तो बढ़ाने वाली देख ली, अब आ जाओ घटाने वाली देख लो, तो डेका देख ली बढ़ाती है, अब डेसी, क्या नाम बेटा डेसी, तो बेटा 10 मतलब 10 गुना, और 1/10 मतलब 10वां हिस्सा, 1/10 मतलब 10वां हिस्सा, 10 भाग कर दिए, जैसे ऐसे समझो 10 पार्ट कर दिए, तो ये देखिए जैसे मान लो ये लेंथ है आपकी, ये 1 है, कितने लेंथ है 1 लेंथ, अगर आपने 1/10 करा तो 1/10 मतलब इसके 10 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10, समझ में आया, तो टोटल लेंथ कितनी थी 1 थी, और 1/10 मतलब इसका एक हिस्सा, बोलो यस, तो 1/10 ये वाली जो लेंथ कहलाएगी वो कहलाएगी 1/10, बोलो आया समझ में ना, तो क्या करते हैं डिवाइड करने में चीज़ें कम होती कि बढ़ जाती हैं, कम होती हैं, और मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाती हैं बढ़ जाती हैं, तो बड़ी चीज़ के लिए तो आपने बड़ा कैपिटल डी, कैपिटल एच, कैपिटल के इस्तेमाल किया है, अब देखो भाई साहब डेसी 1/10 आ गया समझ में ना, सेंटी 1/100, सेंटी का मतलब 1/100, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया 1/100, फिर इसके बाद और मिली, मिली का मतलब 1/1000, 1/1000, आ जाओ देखते हैं भाई साहब, छोटी यूनिट लिखते हैं 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर का डेसी, और डेसी का मतलब कितना होता है 1/10, तो मतलब 1 डेसीमीटर मतलब कितने मीटर होगा, बोलो 1/10 मीटर, बोलो आया समझ में ना, तो 1 डेसीमीटर, बड़े मजे की बात में क्या करें, देखो कैपिटल डी है और यहाँ क्या है स्मॉल डी है, दोनों में डी, एक है 1 डेकामीटर और एक है 1 डेसीमीटर, तो आँख खोल करके आपको पहचानना पड़ेगा, अगर 1 कैपिटल DM लिखा है तो क्या है ये, और अगर 1 स्मॉल DM लिखा है तो क्या है ये, 1 डेसीमीटर, अच्छा छोटा कौन सा है डेकामीटर की डेसीमीटर, छोटा है डेसीमीटर, बिल्कुल सही, बहुत छोटा है ये 1 मीटर का 10वां हिस्सा है, और ये 1 मीटर का 10 गुना है, 10 गुना है, और ये 10वां हिस्सा, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, चलिए अगली बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/1 कितना 100 मीटर, वेरी गुड, 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर, गाइस बिल्कुल सही 1/1000 मीटर, आई बात समझ में ना, तो ये कहलाता है आपका,
मीट्रिक सिस्टम, क्या कहलाता है आपका मीट्रिक सिस्टम। चलो आ जाओ देखते हैं, वन डेसी ग्राम दैट इज इक्वल टू वन डेसी ग्राम, बोलो बेटा क्या होगा, वन अपॉन टेन ग्राम, कितना होगा वन अपॉन टेन ग्राम। मैंने कहा वन सेंटीग्राम, आंसर बोलो कितना होगा, वन अपॉन हंड्रेड ग्राम। ओके, मैंने कहा वन मिलीग्राम, सो आंसर कितना होगा, वन अपॉन वन थाउजेंड ग्राम। देखो आपने पहचान लिया बड़े अच्छे से, है ना। तो ये कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा मेट्रिक सिस्टम, ये कहलाता है हमारा मेट्रिक सिस्टम। क्लियर है बच्चों? ओके, तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कोशिश कीजिए और ज़्यादा देखिए इसको, हम यदि हम देखें इसको छोटा कर सकते हैं। आपने डेसिमल कन्वर्जन पढ़ रखा है, वन बाई टेन को क्या लिखते हैं, 0.1 मीटर लिख सकते हैं अपना। यस, देखिए यहाँ पे दो डेसिमल है मतलब 0.01 मीटर, यहाँ पर तीन डेसिमल है मतलब 0.0001 मीटर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 ग्राम, वन ग्राम ये कितना हो जाएगा, 0.01 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 0.001 ग्राम। तो बच्चों ये है आपका पूरा का पूरा द मीट्रिक सिस्टम। ओके, तो मीट्रिक सिस्टम में आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मीट्रिक सिस्टम आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इस सिस्टम के अलावा मैं एक यूनिट आपको और बताता हूँ बच्चों, जिसको बोलते हैं क्विंटल। क्या बोलते हैं, क्विंटल। सो वन क्विंटल, वन क्विंटल बेटा, क्विंटल जो यूनिट है ये केवल वेट के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है, वेट के लिए, केवल वेट के लिए डेडिकेटेड यूनिट है। और याद रखना वन क्विंटल इक्वल टू 100 kg, 100 kg। ओके, वन क्विंटल इक्वल टू 100 kg। और अगर मैं बोलूँ कि इसको ग्राम में बदलो तो कैसे बदलोगे, देखो वन क्विंटल को, तो भैया 100 तो पहले से ही है, और किलो का मतलब कितना होता है, 1000, और जी फॉर ग्राम, जी फॉर ग्राम। तो लियो आंसर आ चुका है, 3 0 ये वाले और 2 0 ये वाले, 1 2 3 4 5 ग्राम बस हो गया भाई, 5 थी होंगे। ओके, मतलब कितना हो गया, 1 लाख ग्राम, कितना हो गया, 1 लाख ग्राम। आप चाहे तो इसको 10^5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है क्योंकि 5 0 है ना, 5 0। हाँ, तो 5 0 को क्या लिख सकते हैं, 10^5, इसे 10^5 ग्राम भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया जी, सो ये कहलाता है 10^5 ग्राम। ओके, तो ये सारा का सारा मीट्रिक सिस्टम यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अब आप मीट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जैसा जिसको चाहें बदल सकते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ओके, तो मीटर को किलोमीटर में, डेसीमीटर को मीटर में, सब चीज़ें आप चीज़ बदल सकते हैं, आपको पता हो चुका है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन करना। गाइस, एक चीज़ आप जान लीजिए कि मैंने जो बताया आपको कि देखिए वन डेसीमीटर स्मॉल डीएम है, सो क्या होगा, वन अपॉन टेन मीटर, वन अपॉन टेन मीटर। अगर वन कैपिटल डीएम लिखा है तो मतलब ये डेकामीटर है, मतलब वन टेन मीटर। और कहीं कहीं पर इसको वन डीएम भी लिखते हैं, देखिए वन डीएम। ओके, आप इसको ऐसे शॉर्ट में पढ़ सकते हो, वन डैम, क्या पढ़ सकते हो, वन डैम। तो एक्चुअली ये डेकामीटर ही है, सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। क्यों भाई, कन्फ्यूजन तो इन्हीं में ना, ये भी डेका और ये भी डेसी, दोनों शुरू हो रहे हैं किस डीडी से, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो याद रखिएगा अगर कैपिटल से स्टार्ट हो तो डेकामीटर ही होगा, और नहीं तो डीएम होगा तो डेकामीटर ही होगा। अब जैसे कहीं पर लिख करके आ गया वन डीएम और वन डीएम, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये डेसीमीटर है और ये क्या है, डेकामीटर। सो दिस इज 1/10 cm और ये क्या है, 10 ओनली 10 मीटर। यस, ये 1 मीटर का 10 गुना है और ये 1 मीटर के 10 हिस्से हैं, मतलब ये छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है। चलिए चलिए गाइस, तो इस पर एक प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है 7 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर, ओके 2 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 3 डीएम एंड 5 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर। लियो भाई साहब, इक्वल टू कितने किलोमीटर पूछा जा रहा आपसे एग्जाम में, कि इसमें कितने किलोमीटर होंगे। ओके,
देखो क्या करो इसको करने के लिए, तो सबको मीटर में बदल लो। किसमें बदल लो? सबको मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में बदल सकता है। तो 7 किलोमीटर मतलब 7000 मीटर, बड़े आराम आराम से मीटर बदलो। अगला 2 हेक्टोमीटर, तो हेक्टो का मतलब कितना होता है 100, तो 2 हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा 200 भाई, 1 हेक्टो में 100 होता है, तो 2 हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया भाई 200। 3 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर में होता है 10, तो 3 × 10 कितना हो गया 30, ये भी हो गया 30 मीटर। और लास्ट में 5 मीटर, ये आ गया। अब इसको सबको ऐड कर दो, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ बन गया 3, यहाँ बन गया 2, 7, मतलब 7235 मीटर। आपको बदलना है इसको किस में? किलोमीटर में। बच्चों मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब भी आप छोटे को बड़े में ले जाते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 1000 को डिवाइड करते हैं, यस और नो? हाँ, तो मीटर को किलोमीटर में ले जाने के लिए आपको 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर, तो अगर आप किलोमीटर को मीटर में ले जाते तो 1000 का मल्टीप्लाई करते, बट आप मीटर को किलोमीटर में ले जा रहे हो, ओके, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ले जा रहे हो। मीटर कौन सी यूनिट है? छोटी यूनिट। किलोमीटर कौन सी यूनिट है? बड़ी यूनिट। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, तो 7235 मीटर को किलोमीटर में लिखेंगे, 7335 डिवाइडेड बाई 1000। अब क्या लिखोगे बेटा यहाँ? किलोमीटर। तो अब डेसिमल है, तो डेसिमल 1 2 3 ऊपर से काउंट करो, 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेसिमल, तो 1000 हटा दो, आंसर आ गया 7.235 किलोमीटर। ये इस तरीके से आपने सब कुछ बदल लिया। तो सबसे पहले आप जिसको जानते हो उसमें बदलो, आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि किलोमीटर में फाइनली आप ले गए। बोलिए आ गया समझ में ना? तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करिए, ओके। चलिए गाइज एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके लिए, यहां पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन हियर आई हैव। देखो 516 किलोमीटर, ये तो काफी बड़ा है भाई साहब, 516 किलोमीटर। फिर इसके बाद क्या लिखा? 3 डेकामीटर, DAM, ओके, एंड 5 मीटर, 5 मीटर लियो। और क्या कह रहा है? इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर, हाउ मच किलोमीटर, मतलब सारा का सारा सिस्टम किसमें मांग रहा है? किलोमीटर में। तो चलिए सब मैंने मीटर में बदल लेता हूँ, और मीटर में बदलने के बाद किसमें बदल लूंगा? किलोमीटर में। तो 516 किलोमीटर को लिखूंगा मैं मीटर में, सो दिस इज इक्वल टू 516,000 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मतलब 516 और 3 बार 0 मीटर। बोलिए ऐसा नो? डेकामीटर कितने जीरो प्रोड्यूस करता है? 2 जीरो, क्योंकि 100 होता है, तो 3 डेकामीटर है, मतलब 3 डेकामीटर, 3 डेकामीटर, दैट इज इक्वल टू 3 × 100 मीटर, सो कितना बन गया भैया? 300, सो 300 को मैं ये लिख सकता हूँ 300 मीटर। देन इसके बाद 5 मीटर है, तो लियो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, 5 मीटर आ गया। सो यहाँ पे कितना बन गया? 5, ये बन गया 0, ये बन गया 3, ये बन गया 6, ये बन गया 1, और ये बन गया 5, इतने क्या हैं? मीटर, इतने मीटर हैं। अब इतने मीटर को किलोमीटर में ले जाना है, इतने मीटर को किस में ले जाना है? किलोमीटर में। तो मुझे बताओ कि मीटर से किलोमीटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड, मतलब 1/1000 करते हैं, और अगर किलोमीटर से मीटर आओगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करते हैं ना, ऐसे रूल याद कर लो। मीटर से किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ता है? 1/1000 डिवाइड बाई 1000। सो भैया 516305 डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 3, तो 3 डेसिमल है, सो 1 2 3, तो आंसर क्या बनेगा? 516.305 किलोमीटर।